ओम शांति। संगम युग पर विशेष दो मास ऐसे होते हैं जैसे जनवरी मास आते ही साकार बाबा की यादें दिला देता है और उनके संग बिताए हुए दिन मानस पटल पर आ ही जाते हैं, स्मृति आ जाती है। इसी प्रकार से जून मास आते ही मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती मम्मा की यादें सारे दिल और दिमाग पर छा जाती है, स्मृति आती रहती है, क्योंकि मम्मा के संग जो बिताए हुए दिन हैं, जो मम्मा का प्यार मिला, दुलार मिला, स्नेह मिला और शिक्षाएं मीठी मीठी मिली, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया। मम्मा ने मुझे इकोनॉमी सिखाई। मधुबन में गोरी दादी थी तो वो सभी को मांस का साबुन देती थी, कपड़ा धुलाई का और भी सभी सामान। तो एक चिक्की साबुन एक मांस चलाना होता था। उसमें यज्ञ इतना संपन्न भरपूर नहीं था तो मेरी 3 हफ्ते में साबुन की चिक्की खत्म हो गई। मैंने बोला, मम्मा मेरा साबुन खत्म हो गया। मम्मा ने कहा, एक मास चलाना था, कैसे खत्म किया? बोला, मम्मा हमने कपड़ा ही तो धोया है, तो मम्मा ने हमको साबुन तो दिला दिया और कहा जब तुम कल कपड़ा धोना तो मम्मा तुमको सिखाएगी। फिर मम्मा ने आके सिखाया कि देखो जो गंदा होता है वो ब्लाउज का कफ और कॉलर गंदा होता है और साड़ी का फॉल नीचे गंदा होता है, तो उसको तुम चुन्नट बना करके मुट्ठी में ले लो और हल्का सा गीला करके साबुन लगा के रगड़ दो, हाथ से मसल दो और ऐसे ब्लाउज का भी करो तो बीच में साड़ी इतनी गंदी नहीं होती है, हल्का सा साबुन लगा दो और सब साफ हो जाएगा। तो मम्मा ने कपड़ा धोना इकोनॉमी सिखाई। फिर वो जा साबुन जो मुझे मिला था कपड़ा धुलाई का, मेरा 5 हफ्ते चला, जो 1 हफ्ता कम पहले था और 4 हफ्ता बाद का। तो मम्मा ने इकोनॉमी से काम कैसे किया जाता है वो चल सिखाया, कपड़ा धोना भी सिखाया। तो इकोनॉमी के संस्कार बन गए।